हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आपको बताया, ये कोर्स हमारा चल रहा है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स पढ़ो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, इसमें हमने कुछ फंडामेंटल बेसिक्स स्टार्ट किए हैं, बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। तो बेसिक्स में मैंने अब तक 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक्स अच्छी तरह से हो सकें। और ये बेसिक्स क्लास 6 से क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो आज हम देखेंगे लेजिस्लेचर के 2 टाइप्स, एक तो होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और दूसरा होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। आई होप आपने ये दोनों शब्द सुने होंगे, तो आज इनको हम समझेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, कहाँ कहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इसका एक मैं छोटा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। छोटा सा ओवरव्यू क्या है, लेजिस्लेचर मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन है। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है ये ऑर्गन फर्स्ट ऑर्गन है। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्गन है किसका? गवर्नमेंट का। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। लेजिस्लेचर का जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? लॉ मेकिंग। ध्यान देना, लेजिस्लेचर का जो इम्पोर्टेंट काम क्या है? लॉ मेकिंग, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। फर्स्ट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ठीक है। लेजिस्लेचर की अगर बात करें हम, अब अपनी इंडिया में अगर बात करें तो ये दोनों लेवल पर है, स्टेट लेवल पर भी है और दूसरा किस पर है? सेंट्रल लेवल पर भी है। स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। और सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको रिपीट लग रही होंगी क्योंकि मैंने कल बता दिए तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया स्टेट और सेंटर के आधार पर। अब आपको पता है, मैंने बताया था हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, हम हाउस की बात कर रहे हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। तो ये हाउस ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, ओके। तो एक तो हो गया हमारा लोकसभा और दूसरा हो गया हमारा राज्यसभा। तो कितने हाउस हो गए? 2 हाउस हो गए, ठीक है। तो हमने देखा लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन है जिसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? लॉ मेकिंग। आपको पता है हमारी सरकार का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो सरकार क्या करती है हमारे लिए, देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? लॉ मेकिंग का काम करती है। तो लॉ मेकिंग दोनों लेवल पर हमारे यहाँ होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है और सेंट्रल लेवल पर भी होता है। स्टेट लेवल पर जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, सेंट्रल लेवल पर जो होता है वो हमारी पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट को हम बोलते हैं हिंदी में संसद, ये आपको बताया मैंने कई बार। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये लोअर हाउस है और ये अपर हाउस है। ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है उसके भी कितने होते हैं? 2 हाउस होते हैं। एक तो होता है ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसमें भी 2 हाउस होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान देना लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गया। और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी देखते जाना, मज़ा आने वाला है आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो ये हमने देखा सेंट्रल और स्टेट के आधार पर। ध्यान देना स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। मगर आपने देखा होगा हर स्टेट में हमारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सारे स्टेट्स में नहीं है। तो एक चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि हाउस के आधार पर, आज जो मैंने बताया था, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूनिकैमरल और बाइकैमरल में क्या अंतर है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमने लेजिस्लेचर की पूरी हिस्ट्री देख ली, कि लेजिस्लेचर का काम देख लिया, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर देख लिया। अब समझो हाउस के आधार पर, किसके आधार पर? नंबर ऑफ हाउसेस के आधार पर, कि कितने हाउसेस हैं उसके आधार पर जो लेजिस्लेचर है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल, क्या होता है? यूनिकैमरल। और दूसरा होता है बाइकैमरल, ठीक है। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ध्यान रखना। तो ये 2 हो गए। अब ये क्या होते हैं यही समझना है हमें अच्छी तरह से। अब देखो इंग्लिश का एक वर्ड है बाई,
बाई का मतलब होता है टू, यहां पर भी बाई दिख जाए समझ लो टू, यहां पर एक यूनी वर्ड आ रहा है यूनी, यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम ये लेजिस्लेचर का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं नंबर ऑफ हाउसेस के आधार पर। अगर किसी जगह पर एक हाउस है, ओनली एक हाउस है, अगर किसी जगह पर ओनली वन हाउस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और अगर किसी जगह पर टू हाउसेस हैं, कितने हाउसेस हैं, टू हाउसेस हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछ ले कि हमारा भारत का सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका लेजिस्लेचर कैसा है, आपको बताना है बाइकैमरल। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या आता है, पार्लियामेंट आती है, और पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं, दो। अगर हाउसों की संख्या दो है तो बाइकैमरल, हाउसों की संख्या एक है तो यूनिकैमरल। अब हमने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है वो कैसी है, हमारी पार्लियामेंट है भाई बाइकैमरल। कैसी है? बाइकैमरल। क्यों बाइकैमरल है? क्योंकि यहाँ पे हाउसेस कितने हैं, दो। अब बात करेंगे हम स्टेट्स की, ठीक है। स्टेट्स में कुछ स्टेट्स बाइकैमरल हैं और कुछ स्टेट्स हैं यूनिकैमरल, ठीक है। तो एक काम करो, स्टेट्स का मैं अभी बताने वाला हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताऊंगा पूरा स्टेट्स का, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं सबके बारे में बताऊंगा टिल टुडे लेटेस्ट। हाँ, तो अभी हमने देखा, एक ओवरव्यू लिया था, अब हम देखेंगे हमारे जो स्टेट्स हैं, भारत के जो राज्य हैं, उसमें किस किस राज्य में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और किस किस राज्य में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एज ऑफ नाउ आज की डेट में, आई होप कुछ लोगों को ये पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, आज की डेट में भारत में 28 स्टेट्स हैं, आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। और यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई है 8, यूनियन टेरिटरीज की संख्या क्या हो गई है, 8 हो गई है, ध्यान देना। वैसे तो अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, अभी 2019 तक हमारी सिचुएशन क्या थी, 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, 7 यूनियन टेरिटरीज थी, जहाँ पर हमने क्या किया था, अगस्त के महीने में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, सरकार ने हमारी ना आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर को दोनों को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। तो मतलब एक स्टेट हमने कम कर दिया, एक स्टेट कम कर दो, 28 स्टेट बचे, और यूनियन टेरिटरीज बता, ये दो यूनियन टेरिटरीज बढ़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 9 यूटीज हो जाएंगी। मगर उसके बाद कुछ समय बाद ही सरकार ने एक काम और किया, दो यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर दीव व दमन और दादरा व नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। ध्यान देना, दीव व दमन और दादरा व नगर हवेली को मिला के एक बना दिया। तो आज की डेट में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई, 8। समझ गए? अब सुनो, अब ये तो हमने देख लिया इंडिया में स्टेट्स की सिचुएशन एट एज ऑफ नाउ, आज की डेट में क्या है, ये सारी सिचुएशन हमने देख ली, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब हम देखेंगे कि किस किस स्टेट में, हमने सेंट्रल लेवल पर तो देख लिया हमारी जो पार्लियामेंट है भाई, पार्लियामेंट कैसी है, पार्लियामेंट है हमारी बाइकैमरल, ये हमने अभी देखा था। बाइकैमरल क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स में यूनिकैमरल स्टेट्स कितने और बाइकैमरल कितने, देखो पहले की बात करें, पहले अभी मतलब जब तक ये जम्मू कश्मीर वाला केस नहीं था, तब हमारे 7 स्टेट ऐसे थे जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। मतलब अब देखो, लेजिस्लेचर स्टेट्स में आपको पता है, स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें दो चीज होती हैं, एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी चीज होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो स्टेट के जो लेजिस्लेचर होंगे उसमें दो चीज़ हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस और इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। देखो जितने भी स्टेट हैं अपने भारत में, 29 स्टेट हैं, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं मिलती, ये आज की डेट में सिर्फ 6 स्टेट्स में मिलती है। तो वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, 6 स्टेट्स की बात करते हैं, पहले 7 थे जम्मू कश्मीर से पहले, जब तक जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन नहीं हुआ था। अब 6 स्टेट हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2 हाउस हैं लेजिस्लेटिव, अच्छा ध्यान देना, बाइकैमरल लेजिस्लेटर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी वहां पर और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में ये दोनों चीज़ें, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरे नंबर पर आता है बिहार, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है आपका कर्नाटका,
साउथ में कर्नाटक। पांचवे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और पांचवे नंबर पे आता है आपका, सॉरी पांच छठवे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश में से। आपको मैं एक चीज़ और बताया था जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, 2014 में आपको पता होगा 2014 में एक नया स्टेट बना था हमारा, 29th स्टेट कौन सा था वो, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में से बना था क्या, तेलंगाना। तो तेलंगाना हो गया। तो ये आज की डेट में ध्यान देना, ये आज की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में आज की डेट में ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है, बाइक कैमरा लेजिस्लेचर पाया जाता है। पहले जम्मू कश्मीर था इसमें, 7 थे पहले, मगर अब जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, जम्मू कश्मीर क्या बन गया, यूनियन टेरिटरीज बन गया, ठीक है। और वहाँ पर ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में से लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हटा दिया गया, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में से लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसको क्या कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है। ओके, तो ये रही 6 स्टेट्स की बात। अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, यूनियन सॉरी, ये तो हो गया हमारे 6 स्टेट्स जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब हम यूनी कैमरल की बात करें। अब देखो 28 में से 6 गए तो कितने बचे, सिर्फ 22 बचे। तो 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। ध्यान देना, स्टेट्स में ज़्यादातर, मैंने एक चीज़ तो आपको क्लियर बता दी, सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। 6 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पाई जाती है, किसके एडिशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के एडिशन में। तो ध्यान देना, जो यूनिकैमरल स्टेट्स होते हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं पाई जाएगी। ऐसे स्टेट्स की संख्या कितनी है, 22, कितनी है, 22। अब हमने देखा टोटल 22 और 6 28 हो गया। अब बात करते हैं यूटीज की। तो यूटीज में सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज का मतलब है यूनियन टेरिटरीज। पहले 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी जहां पर यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर पाया जाता था, मगर आज की डेट में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर क्या पाया जाता है, यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर। पहली आती है आपकी दिल्ली, दिल्ली में यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर। फिर आता है पुदुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी भी बोलते थे। और तीसरा अभी रिसेंटली ऐड हो गया है जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान देना, जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरीज है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या में पाया जाता है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है तो ध्यान देना, वहाँ पे सीधी सीधी बात है, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, और साथ के साथ में गवर्नर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होगा हमारा पूरा की पूरा स्टेटस, ठीक है। और अब बची कितनी यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब कितनी यूनियन टेरिटरीज बची, 8 में से 3 माइनस कर दो, 5। तो 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं यहाँ लेजिस्लेचर है ही नहीं। तो 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर क्या नहीं है, नो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं, प्रेसिडेंट इनको कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखता है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो कोई भी जो आईएएस ऑफिसर रहता है या फिर हाई रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उसको ये कंट्रोल में दे देते हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने बताया कि लेजिस्लेचर 2 प्रकार का होता है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब है जहाँ पर सिर्फ एक हाउस मिले, एक हाउस पाया जाए, और दूसरा होता है बाइकैमरल, बाइकैमरल का मतलब 2 हाउस पाए जाएँ। फिर मैंने बताया हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, संसद कैसी है, बाइकैमरल है। क्यों बाइकैमरल है, क्योंकि इसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। फिर मैंने बताया हमारे स्टेट्स की कंडीशन बताई, आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 28 स्टेट्स में से 22 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं पाई जाती, ठीक है। बाइकैमरल स्टेट्स, बाइकैमरल लेजिस्लेचर वो होते हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी। ओनली 6 स्टेट्स ऐसे हैं आज की डेट में जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 22 स्टेट्स ऐसे हैं यूनिकैमरल है। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो आज की डेट में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर पाया जाता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। पहली दिल्ली, दूसरी पौंडीचेरी और तीसरी है जम्मू एंड कश्मीर। 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं पाया जाता, जिनको जो कौन कंट्रोल करता है इनको, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं सीधी सीधी। कौन सी 5 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी हैं आप कमेंट करके बताओ, कौन कौन सी 5 मैंने छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 बस इतना ही डिस्कस करेंगे कि
लेक्चर नंबर 4 में बस इतना ही देखेंगे कि हमने क्या देखा, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। तो हम धीरे 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 जो बेसिक्स हैं सिविक्स के उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं, और ये बेसिक्स आपको आई होप काम भी आ रहे होंगे और आपने फील भी किया होगा, ये आपने कहीं मिस भी कर दिए होंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।